जय जय गुरु गौरंग गंधार वीरधारी लाल की जय हो। जय जय श्री गुरुदेव भगवान श्री शिल भक्ति प्रमोद पुरुषमी गुरु महाराज की जय हो। परम गुरुदेव श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। गोमातान की जय हो। श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय गोप गोपी गोविंदो गो माता की जय हो। नमो गोभ्यो श्रीमतीभ्यो सौरवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्म सुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण देवायो गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धृतायो श्रीकृष्णायो गोविंदायो नमो नमः। गौरी गोष्ठीपति श्री श्रील व्यक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, जगतवासी परम सत्य वस्तु से बहुत दूर भागे जा रहा है। गौरी गोष्ठीपति श्री श्रील व्यक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, जगत की लोग भोग या तो त्याग का कुहरे में आच्छन्न माया के द्वारा अपहृत ज्ञान एवं चेतन राज्य से जगतवासी बहुत दूर भागे जा रहा है। जगतवासी परम सत्य वस्तु से इतना दूर भागे जा रहा है कि इन लोगों का सामने परम सत्य वस्तु परम चेतन वस्तु का आलोचना करे चर्चा करे तो ये लोग भयभीत हो जाता है। ये लोग भयभीत हो जाता है। भगवान का सामने आना या तो गुरु वैष्णव का सामने आना संत भगवान का सामने आना इसके मतलब है परम सत्य वस्तु का सामना करना। परम सत्य वस्तु का सामना करना ये कोई मामूली बात नहीं है। हर किसी का बस का काम नहीं है। परम सत्य वस्तु में सुप्रतिष्ठित नहीं होने से परम सत्य वस्तु का संकीर्तन संभव नहीं है। वेद भित्तिक सनातन धर्म का मूल आधार स्वरूप गोमाता है। वेद भित्तिक सनातन धर्म का मूल आधार स्वरूप गोमाता है। समग्र विश्व सुस्त सबल और स्वाभाविक समग्र विश्व का सुस्त सबल और स्वाभाविक अर्थनैतिक समृद्धि एकमात्र गोपालन के द्वारा संभव है। प्राचीन भारत का या तो पौराणिक युग का चर्चा करे तो देखा जाएगा गोमाता का ही संपद माना जाता था। गोवंश समृद्धि वो संरक्षण के विषय के ऊपर जन जागरण होना जरूरी है। गोवंश का समृद्धि वो संरक्षण के विषय पर चर्चा होना जरूरी है और इस विषय में तमाम दुनिया का सहयोग प्रार्थनीय है। विश्व सभ्यता का मूल आधारभूत गो वंश की चरम उपेक्षा की कारण विश्व सभ्यता का मूल आधारभूत गो वंश का चरम उपेक्षा की कारण आज ये भयंकर
परिस्थिति आप पहुंचे हैं। इस विषय के ऊपर प्रतिकार अन्वेषण जरूरी है, इसीलिए समग्र विश्व का, तमाम दुनिया का, जन समाज का, चेतना का उन्मेष जरूरी है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में कहा गया कि धर्म मूलम ही भगवान सर्वो वेदमयो हरि, धर्म मूलम ही भगवान सर्वदेवमयो हरि, या तो धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरि। जिस वस्तु को धारण करने से अनायास भवसागर पार होके मानव जाति जा सकता है, इसी का नाम धर्म है। धर्म मूलम ही भगवान सर्वो देवमयो हरि ही, धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरि ही। धर्म किसको बोला जाता है? जिस वस्तु को धारण करने से अनायास भवसागर पार होके मानव जा सकता है, इसी का नाम है धर्म। तमाम शास्त्रों का विचार से सनातन धर्म अर्थात अनादि नित्य आत्मधर्म तथा भागवत धर्मों को ही वास्तव धर्मों माना गया। सनातन धर्म का मूल आधार गो माता को ही माना गया, क्योंकि बिना गो माता कोई भी यज्ञ आदि हो नहीं सकता। महाभारत में ब्रह्मा इंद्र संवाद से पता चलता है ये बात, यज्ञांगं कथिता गावो यज्ञ एव असवासव एताभिश्च बिना यज्ञो न वर्तते कथंचन। यज्ञांगं कथिता गावो यज्ञ एव च वासव एताभिश्च बिना यज्ञो न वर्तते कथंचन। वेदों में गौ माता का विश्व रूप का वर्णन आता है, एवं स्कंद पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के द्वारा कामधेनु का स्तुति में बताया गया। स्कंद पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के द्वारा, तीनों के द्वारा कामधेनु माता का स्तुति में बताया गया। तं माता सर्वो देवानं तं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थो सर्वो तीर्थानं नमस्तेयोस्तु सदानुघे शशि सूर्यो वरुण यस्सो ललाटे वृषभध्वजः सरस्वती च हुंकारी सर्वे नागश्च कम्बले क्षूरपृष्ठे च गन्धर्वा वेदाश्चत्तार एव च मुखाग्री सर्वो तीर्थानि। मुखाग्री सर्वो तीर्थानि स्थावराणि चराणि च
गो माता की सुरक्षा के साथ, गो माता की सुरक्षा के साथ, संरक्षण के साथ, तमाम विश्व का सुरक्षा तथा समृद्धि का प्रसंग जुड़ा हुआ है। बिना गो माता की सेवा विश्व का सामग्रिक मंगल कदापि संभव नहीं है। गोपालन तथा गो रक्षा में ही सर्व समस्या का, तमाम समस्या का समाधान छुपा हुआ है। गोपालन तथा गो रक्षा में ही गो संरक्षण, गो वंश का संरक्षण में ही सर्वो तमाम समस्या का, सर्व समस्या का, तमाम समस्या का समाधान छुपा हुआ है। यही है विज्ञान भित्तिक वास्तव विचार तथा समाधान। शास्त्र में विचार बताया गया है, यत्रोगावः प्रसन्नः सुप्रसन्नस्तत्रो संपदः, यत्रोगावो विषन्नः सुर्विषन्नस्तत्र संपदः। जहां गोमाता सुपसन्या रहती है वहां सर्व संपदादि अनायास सिद्ध हो जाता है, किंतु जहां गोमाता विषन्या रहती है वहां सर्व संपद आदि धूलि में मिल जाता है। वेद पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत जी महापुराण सर्वत्र गो माता का अपार महिमा का वर्णन मिलता है। विशेष रूप से श्री विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गर्ग संहिता में तथा श्रीमद् भागवत में गो माता की महिमा की प्रचुर उल्लेख देखा जाता है। श्री गर्ग संहिता गोलोक खंडम, श्री गर्ग संहिता गोलोक खंडम में साक्षात भगवत वचन, साक्षात भगवत वचन देखा जाता है। वेदा मे वचनम विप्रा मुखम गावः स्तनुर्ममो अंगानि देवता जुयम् शादो वहि अशवो हृदि। वेदा मे वचनम विप्रा मुखम गावः स्तनुर्ममो अंगानि देवता जुयम् शादो वहि अशवो हृदि। अर्थात भगवान कह रहे हैं, वेद मेरा वचन है, विप्रगण मेरा मुंह मंडल है, और गो माता मम स्तनु गावो स्तनुर्ममो, गो माता मम शरीर है, अंगानी देवता जुयम, अंग प्रत्यंग देवता लोगों को भगवान कह रहे हैं, अंगानी देवता जुयम, मेरा अंग प्रत्यंग है तुम लोग, और साधु लोग जो है साधवो ही अशुभो हृदि, साधु मेरा प्राण है, संत महात्मा मेरा प्राण है, वेद मेरा वाक्य है, विप्र मेरा मुख, गोगन मेरा तनु है, तुम लोग देवता मेरा अंग हो, अंग प्रत्यंग हो, और साधुगण मेरा हृदय का, प्राण का बराबर। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में प्रमाण मिलता है, श्रीमद् भागवत जी महापुराण में प्रमाण मिलता है, जदा देवेशु वेदेशु गोषु विप्रषु साधुषु धर्मे मयि च विद्विषः स वा आशु विनश्वति। श्रीमद् भागवत जी महापुराण सप्तम स्कंद का चतुर्थ अध्याय में 27 नंबर श्लोक आता है। जदा देवेशु वेदेशु
गोशो विप्रशो साधुषो धर्मे मयी च विद्विषः सवा आशो विनश्वति। मतलब यदि अगर कोई देवगणों के साथ विद्वेष करे अथवा वेद समूहों में विद्वेष रखे तथा सदगुरु साधु संतन में साधु संतन वैष्णवों के साथ या तो गोमाता के साथ या तो ब्राह्मणों के साथ वैष्णवों के साथ अथवा आत्मधर्मों एवं मेरा साथ विद्वेष करे अत्याचार करे तो अति शीघ्र वो पापी विनाश प्राप्त होता है। यदि अगर कोई देवगणों के साथ विद्वेष करे अथवा वेद समूहों में विद्वेष रखे तथा साधु गुरु वैष्णवों के साथ विद्वेष करे या तो गोमाता के साथ विद्वेष करे ब्राह्मणों के साथ वैष्णवों के साथ आत्मधर्मों वैष्णव धर्मों के साथ भगवत धर्मों के साथ विद्वेष करे अथवा मेरा साथ विद्वेष करे तो ये पापी अति शीघ्र विनाश प्राप्त हो जाता है। तो फिर जानबूझकर कौन ध्वंसों के ओर भागना चाहता है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में आता है धर्मों का चार पहिया होता है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में आता है वर्णन आता है पहला स्कंद में जब परीक्षित महाराज कोली को शासन करने के लिए तैयारी में है उसी समय ये प्रसंग आता है धर्म का चार पहिया होता है यथा तपस्या दान दया सत्व। तपस्या दान दया सत्व धर्म रूपी वृक्ष का प्रसंग श्रीमद् भागवत जी महापुराण में देखा जाता है। कहां तक वर्णन करें, बापूजी ने गांधीजी महात्मा बापूजी ने कहा मेरा उच्चाकांक्षा कभी इससे कम नहीं है कि पूरा दुनिया में गो हत्या का प्रतिबंध कानून लागू देखे। बापूजी ने कहा मेरा उच्चाकांक्षा कभी इससे कम नहीं है कि पूरा दुनिया में गो हत्या का प्रतिबंध लागू कानून लागू देखे। भारतवर्ष में गो रक्षा का प्रश्नों स्वराज से किसी प्रकार भी कमी नहीं है। भारतवर्ष में गो रक्षा का प्रश्नों स्वराज से किसी प्रकार भी कमी नहीं है। भारतवर्ष में गो रक्षा का प्रश्न स्वराज से किसी प्रकार भी कम नहीं है। कोई बातों में मैं इसे स्वराज से भी बड़ा मानता हूं। जब तक हम गायों को बाँचने का उपाय ढूंढे जब तक हम लोग गौ माता को बचाने का उपाय ढूंढ नहीं लेते तब तक स्वराज को अर्थहीन बेकार माना जाएगा। गौ रक्षा हिंदू धर्म की दी हुई
गोरक्षा हिंदू धर्म की दी हुई दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा तोहफा है। गोरक्षा हिंदू धर्म की दी हुई दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा तोहफा है। हिंदू धर्म भी तभी तक हिंदू धर्म भी तभी तक हिंदू धर्म भी तब तक रहेगा लागू हिंदू धर्म भी तभी तक रहेगा लागू जब तक गायों को रक्षा करने वाले हिंदू जिंदा हो, मैया का लाल जिंदा हो, गो माता को रक्षा करने वाले। जब भी ये बात शास्त्र में सिद्ध है कि सनातन धर्म नित्य विराजमान धर्म है, ये किसी के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है। सनातन धर्म नित्यकाल विराजमान होते हुए भी हिंदू धर्म बाहरी दृष्टि में टूट सकता है। सनातन धर्मो आत्मधर्मो भागवत धर्मो वैष्णव धर्मो नित्यकाल विराजमान होते हुए भी हिंदू धर्मों का बाहरी दृष्टि में एक कुछ तोड़फोड़ हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म नित्य है। सनातन धर्म का अर्थ है सदा तनोति वर्धति इति सनातन धर्म। सनातन सदा तनोति, हर वक्त जो विस्तारमान है अनंत ब्रह्मांड में। तो हिंदू धर्मों भी तब तक रहेगा लागू जब तक गौ माता को रक्षा करने वाले बीड़ हिंदू जिंदा होगा। गो माता की रक्षा करना परम ईश्वर की सारे मुख गुंगा सृष्टि की रक्षा करने के बराबर है। गो माता की रक्षा करना परम ईश्वर की सारे मुख गुंगा सृष्टि की रक्षा करना करने का बराबर है। भारत तथा तमाम दुनिया का सुख समृद्धि गो माता तथा उसकी संतानों के साथ जुड़ी हुई है। साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं गो माता की सेवा पूजा तथा रक्षा करते हैं नित्य। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं गो मातान की रक्षा पूजा तथा सेवा करते हैं। इसी आदर्श के रास्ते में हम सभी को जरूर चलना चाहिए। चलो आए हाथ मिलाए गो रक्षा का सौगंध खाए मरते दम तक फर्ज निभाए। चलो आए हाथ मिलाए गो रक्षा का सौगंध खाए मरते दम तक फर्ज निभाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गो मातान की जय हो, सब संतन की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम